साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की मंसूबा बंदी करने वाले मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 58 साल रियान वीसले रूथ साबिक सदर को 15 सितंबर को कत्ल करना चाहता था। डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अपने निजी पाम बीच गोल्फ कोर्स पे गोल्फ खेल रहे थे कि इस दौरान झाड़ियों से बंदूक की नाली दिखने पर सीक्रेट सर्विस ने फायरिंग की थी। बाद अजां रूथ को मुश्तबा शख्स के तौर पर हिरासत में लिया गया था। इब्तदाई तौर पर रूथ पर आतिशी असलाह रखने के 2 इल्जाम आयद किए गए थे, लेकिन अब उन पर महकमा इंसाफ ने 5 मुख्तलिफ इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत में इल्जाम आयद किया कि रूथ ने महीनों पहले ही साबिक सदर को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था और उसने हाथ से लिखी तहरीर में डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के अपने इरादे का जिक्र भी किया है। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम की गाड़ी से एक फहरिस्त मिली है जिसमें अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के उन मकामात का जिक्र है जहां ट्रंप ने तकारीब में जाना था या उनकी शिरकत मुतवक्के थी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम साबित हुआ तो रूथ को उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। रूथ की जानिब से मुबैना तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की मंसूबा बंदी साबिक सदर के कत्ल की दूसरी कोशिश है। इससे कबल जुलाई में रियासत पेंसिल्वेनिया में जलसे से खिताब के दौरान साबिक सदर पर कातलाना हमला हुआ था। हमला आवर ने करीबी इमारत से फायरिंग की थी जो ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई थी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।